रुड़की की कलियर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 24 जनवरी की रात कलियर थाना क्षेत्र के मेवड़ पुल के पास से लूटी गई बाइक को बरामद कर लिया है। इतना ही नहीं, लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 24 जनवरी की रात मेवड़ पुल के पास कुछ अज्ञात लुटेरों ने बाइक सवार एक युवक को रोककर उसकी बाइक और पर्स लूट लिया था, जिसके बाद पीड़ित युवक ने कलियर थाना पुलिस को तहरीर देकर बाइक को बरामद करने और लुटेरों पर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था और उनकी तलाश शुरू कर दी थी। आज कलियर थाना पुलिस ने सिविल लाइन कोतवाली में घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से लूटी गई बाइक भी बरामद कर ली है। पुलिस अब 3 आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। पिरान कलियर थाना अंतर्गत मेवड़ कला क्षेत्र में 3 दिन पहले एक लूट हुई थी, 3-4 दिन पहले। उसमें लगातार एक ये संज्ञान में आ रहा था कि कुछ अज्ञात तत्वों द्वारा पूर्व में भी इस तरीके से घटनाएं वहां की जा रही हैं। तो इसमें सीओ रुड़की के नेतृत्व में, सीओ रुड़की के निर्देशन में एक अच्छी टीम एक बनाई गई थी, जिसमें SOG और थाना पुलिस सम्मिलित थी। इनके द्वारा ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करते हुए एक बहुत अच्छा, मतलब जो गैंग जो ये वारदात पर था, पूरे गैंग को पकड़ा गया है और इसमें 3 जो लोग हैं वो इसमें अरेस्ट हुए हैं और जो लूटी गई मोटरसाइकिल है और मोबाइल फ़ोन है वो भी इसमें रिकवर हुए हैं। पुराना इतिहास, हाँ, इसमें जो एक महफूज है उसका पुराना इतिहास रहा है, बाकी 2 नए लड़के उसने जोड़े थे। और यहाँ 2 घटनाओं का इनसे खुलासा किया गया है, जो 2 लूट की घटनाएं की गई थी। बाकी और इनके इतिहास के बारे में, आपराधिक इतिहास के बारे में पता लगा रहे हैं। हाँ, ये लोग नशे के लिए इस तरीके के अपराध को अंजाम देते थे, अभी तक यही बात संज्ञान में आई है। इसका भी हम लोग पता लगा रहे हैं कि ये कहाँ से इसकी पूर्ति करते थे, ताकि हम उस पर भी आगे कार्रवाई कर सकें।